वाह जा वाह ईद ईद वाह वाह भाईजान ईद मुबारक हो। ये लीजिए। अरे आप लीजिए भाई, आप लीजिए भाई और नहीं। अरे जनाब अशरफ साहब, ईद की खुशी के मौके पर कुछ शेरो शायरी हो जाए। क्यों नहीं, इरशाद इरशाद। आइए आइए, ताजे ताजी एक गजल हुई है, जरा समाप्त फरमाए। जी हाँ। कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी बीवी को समझाओ जरा शॉपिंग पे कम निकले। अच्छा एक शेर से। अरे चुप यार, पूरी खुशी नहीं मिटाने दो। अरे मुझे जैसा कोई तेरे मोहल्ले में रहता है। अरे मियाँ बेगम को बता के रखिएगा, जरा संभल कर दरवाजा खोले, खतरा है। मेरी तरफ से हो जाए हो जाए हो जाए हुजूर हो जाए। सुनिए सुनिए। जमी को खींच के तेरी जूती बना सकता। वाह क्या जूती है। सातों आसमानों की तुझको चुनरी ओढ़ा सकता हूँ। सलमा सितारों की जगह असली सितारे सजा सकता हूँ। जूती क्या है लेकिन। अरे पहन के देखिए जरा। दूर पहनी क्या, हमने तो खाई भी है। अरे अब दीवानगी पे गौर कीजिए, जरा दीवानगी पे गौर कीजिए। जमीन को खींच के तेरी जूती बना सकता हूँ। सातों आसमानों की तुझको चुनरी ओढ़ा सकता हूँ। सलमा सितारों की जगह असली सितारे सजा सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए जानम, क्योंकि अब मुझे झूठ बोलने का हुनर आ गया है। आइए कमिश्नर साहब आइए। माय डियर सज्जाद, ईद की बहुत बहुत मुबारक। सज्जाद दिया, सच पूछो तो ईद का इंतजार तुमसे ज्यादा मुझे रहता है। पूछो क्यों। क्यों वो इसलिए कि कम से कम ईद के दिन तो तुमसे मुलाकात हो जाती है। अरे भाई देखो, भाभी तो हम दोनों को साथ में रहने नहीं देगी। नहीं तो आप ऐसा करिए कि रिटायर होकर यहाँ आ जाइए, दोनों साथ में रहेंगे। क्या बात है यार, क्या बात है। बहुत ठीक कहा। वही यार लगता है कि फिर वही दिन जो पुराने थे अपने। हाँ। होस्टल वाली तबरी शुरू कर दें ऐसा लगता है। हाँ भाई वो दिन थे। हाँ। क्या दिन थे। याद है एक बार हमने मेस को बायकॉट किया था और रात को भूख के मारे तुम्हारी हालत खराब हो गई थी और तुमने इस बिगोल को घोल कर पी गया। यार मत याद दिलाओ, मत याद दिलाओ, मुझे याद आते ही मुझे पेट पकड़ के। अरे एक मिनट, फोन फोन। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, ईद मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। तो कैसी चल रही है आपकी ईद की पार्टी। हाँ बेटा तुमको तो मालूम है, पार्टी मेरे लिए बस नाम की है। कुछ अजीज दोस्त आ जाते हैं और हम पार्टी बना लेते हैं और वो तो आ गए। बस वही नहीं हूँ, मेरे बगैर ही। लेकिन बेटा तुम आते ही कब हो। हाँ अब तो आप ही आ रहे हैं ना, अगली ईद हम साथ में ही मनाएंगे इंशाल्लाह। कल से कारोबार समेटने का काम शुरू कर देता हूँ। अबू जल्दी आ जाइए, हम आपको, मेरा मतलब है सानिया और फैजल आपको बहुत याद करते हैं। भाई मैं भी हर पल तुम लोग को बहुत याद करता हूँ। अच्छा बेटा ये बताओ कि तुम्हें इस बार ईदी क्या। कि आपकी खिदमत में कोई कमी रहने लगी। नहीं नहीं ऐसा ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो।
नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं अभी फोन करके रेहान को मना कर देता हूँ। अच्छा, मेरी बात सुनो, बिजनेस है, इसको समेटना तो पड़ेगा। और फिर मुझसे तो अब ये संभलता नहीं है, और इसको समेटने के बाद मैं तुम लोग से मिलता रहूंगा, आता जाता रहूंगा। भाईजान, ये बिजनेस, आप बिजनेस की क्यों फिक्र कर रहे हैं? अरे मैं क्यों फिक्र करने लगा, तू जो है ना, और फिर रिहान के लिए मुझे कुछ करना है, उसे सब कुछ अपने बलबूते पे किया है, लेकिन मेरा फर्ज भी तो कुछ बनता है। मैं समझ सकता हूँ भाईजान, आप सही कह रहे हैं, लेकिन भाईजान अपने छोटे भाई से कभी दूर जाने की बात मत कीजिएगा। आपके बिना मेरा इस शहर में है कौन? देख, तू अब बच्चों की तरह रोने मत लगना भाईजान। जी, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। अरे कमीने, कमीने, अगर तूने जान लेनी थी तो मेरी ले लेता। अरे उस फरिश्ते ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? उस नेक इंसान ने तो सपने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। क्यों थी, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों क्यों किया तूने ऐसा? बोल। मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी की सारी गोलियां इसके सिरे में उतार दूंगा। अरे अरे तूने मेरे को उजाड़ दी। पानी आ चुका है, तो पानी आ चुका है। प्लीज प्लीज, साहब मैं आपका दुख समझ सकता हूं। सज्जाद साहब आपके बड़े भाई जैसे थे, इसलिए आपका दर्द भी बहुत बड़ा है। आप नहीं समझ सकते इंस्पेक्टर साहब, अरे मैंने अपना रहनुमा, अपने वालिद के मानिंद भाई खोया है। किसी को भला क्या दुश्मनी हो सकती थी भाईजान से? अर्शद साहब एक बात बताइए, आप तो सज्जाद साहब के काफी करीबी थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी? मेरा भाई फरिश्ता था, फरिश्ता। दुश्मनी और उस इंसान से कतई नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर क्या वजह हो सकती है?
मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि कोई शख्स महज 75,000 के लिए किसी का खून कैसे कर सकता है, कैसे? 75,000 के लिए? अरे उस नामाकूल ने 75,000 के लिए इतना बड़ा गुनाह कर दिया। 25,00,000 रुपए ले लेता मुझसे, मैं दे देता। अरे मेरे भाईजान की जान तो बख्श देता वो। मिस्टर अशरफ, इस तरह से बिना मोटिव के कोई खून नहीं होता। सज्जाद साहब के खून से किसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, या फिर सज्जाद साहब के इंडिया से चले जाने के बाद किसी को बहुत बड़ा नुकसान। अरे नुकसान तो इंस्पेक्टर साहब सबसे ज्यादा मेरा हुआ है। अरे मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई, समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जीऊंगा भाईजान के बिना। अशर साहब, इस इमोशनल लॉस के अलावा आपका कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है? अरे उस सबका अब क्या जिक्र करूं, जो कुछ था भाईजान का दिया था, मेरा क्या था, कुछ नहीं। हाँ अगर वो विड्रॉल डीड पर साइन कर जाते तो। क्या, कैसी डीड? मैं अभी मंगवाता हूँ। हेलो मजर साहब, वो जो मैंने आपको पेपर्स दिए थे ना, वो लेकर फौरन भाईजान के बंगलों पर आ जाइए, अभी। हाँ जल्दी कीजिए, मेरा वकील है यहीं पास में रहता है, अभी आ जाएगा। अच्छा मिस्टर अशरफ, एक बात बताइए, आप इस कंपनी में कितने परसेंट के पार्टनर थे? परसेंटेज मतलब, देखिए भाई आधा आधा था जो भी है और क्या है। लेकिन सज्जाद साहब के, मेरा मतलब है आपके मैनेजर तो मुझे बता रहे थे कि आपकी सिर्फ 10% की पार्टनरशिप थी, क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों झूठ बोलूंगा, मुझे तो खुद बड़े साहब ने बताया था। और क्या बताया था बड़े साहब ने? हैं? मुझे बताया था कि कंपनी पर 52,00,000 रुपए का ड्यूज है आपके, जो कि आपने कंपनी के अकाउंट से ले रखे, वो मैंने ही बताया। आपके मैनेजर के मुताबिक आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं बनती है। ये क्या मतलब है आपका इंस्पेक्टर साहब? हैं? देखिए ये मेरा ख्याल है, मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा। और ये तोहमत नहीं लगा रहे तो और क्या है, मतलब क्या आपका? देखिए अशर साहब, जब कोई ज्यादा जोर से बोलता है ना, तो पुलिस वाले उसी पर ज्यादा शक करते हैं। तो माफी चाहूंगा, जरा अपनी बात रखिए, अपनी आवाज थोपिए मत। देखिए इंस्पेक्टर, अरे आइए मजर साहब, आइए लाइए पेपर दिखाइए, ये देखिए, देखिए गौर से देखिए। हाँ दिखाइए। ये है विड्रॉल डीड, और ये है रिसिप्ट। पूरे 2,30,00,000 रुपए जमा करवा चुका हूँ, मतलब भाईजान को दे चुका हूँ मैं। अच्छा, भाईजान को दे चुके हैं या कंपनी में जमा करा चुके हैं? देखिए आप कुछ जरूर से ज्यादा शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर। देखिए हमारे यहाँ भाईजान मतलब कंपनी, कंपनी मतलब भाईजान, दोनों एक ही अलग अलग नहीं है। इस तरह से तो आपका काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब आप क्या करेंगे मिस्टर अशरफ? इस पर तो सज्जाद साहब के साइन भी नहीं है। भाईजान की दुआएं ही मेरे लिए दस्तखत हैं। आपसे इस पेपर के बारे में जिक्र किया था, इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं अपनी जायदाद का 25% हिस्सा लड़कियों का स्कूल बनवाने के लिए खर्च करना चाहता हूँ, और बाकी हिस्सा मैं अपने बेटे रेहान को देना चाहता हूँ। तो दें, अपने हिस्से में से किसी को भी दें, मुझे क्या दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से तो आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं बनती है। क्या पढ़िए, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये सब झूठ है, फरेब है ये सब। दिखाइए मुझे, दिखाइए। बकवास, मैं इस वसीयत को नहीं मानता हूँ, देख लूंगा मैं तुम सबको। अशर साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। अरे क्या सवाल पूछेंगे आप, भाई जान का कत्ल हुआ है, कातिल पकड़ा गया, जाइए फांसी दीजिए उसे। और रही बात मेरी, मैं देख लूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हें भी देखूंगा इंस्पेक्टर। अरे मन्नू एक गिलास पानी पिलाओ, कहां मर गए तुम, जल्दी आओ।
यहाँ कैसे आए तुम? मैं भाग आया। अरे यहाँ क्यों आया तू? भाग यहाँ से। अरे पुलिस तेरे पीछे होगी। नहीं नहीं, मैं पुलिस को चकमा देकर आया हूँ। आप मुझे बाकी के पैसे दे दीजिए, मैं अपनी बीवी को दे दूंगा। उसके बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे बता, मैं पैसा तेरी बीवी तक पहुँचाऊंगा। जितना तुझे कहा है ना, उससे ज्यादा पहुँचाऊंगा। लेकिन भाग भाग नहीं, 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 मुझे 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 पैसा भी चाहिए। अगर मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो तो वो मर जाएगा। मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे पैसा दे दीजिए। अच्छा रुक रुक, ये ले, रख, संभाल इसे। और सुन, किसी के सामने जुबान मत खोलना कि मेरे कहने पर तूने कत्ल किया है, समझे? और हाँ, तू चिंता मत कर, बाकी 1,00,000 रुपया और मैं तेरी बीवी तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? तू जा, भाग यहाँ से, भाग। मैं जानता था तुम यहीं आओगे, अपने आका के पास। हाँ तो मिस्टर अशरफ, अब आपका अपने सफाई में क्या कहना है? कितने रुपए दिए हैं सुपारी के? इंस्पेक्टर साहब, मैं पेशेवर मुजरिम नहीं हूँ। इस आदमी ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। हर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहता है। मेरे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कल रात से मेरा बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूम रहा है। आप प्लीज की जान बचा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। प्लीज, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो कल ऑपरेशन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, सिस्टर आप ही कुछ कीजिए ना, प्लीज सिस्टर। इमरान, अब क्या होगा? हम पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे? इमरान जाओ, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो। इमरान मेरा मुन्ना। मैंने सब जगह हाथ फैला लिया, कहीं से कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्या करेंगे हम। तुम बाप हो ना इसके, जाओ कहीं से भी इंतजाम करो। अगर मेरे मुन्ने को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। जाओ मुन्ना, 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 या अल्लाह। क्या करूं? उसी का इंतजाम करने के लिए मैं वहां से निकला। ये अपने आप को बेच भी दूं तो भी 75,000 रुपया देने वाला कोई नहीं। तभी मैं इनके गाड़ी के सामने आ गया। भाई, उठो उठो उठो, ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? मैं माफी चाहता हूँ भाई। अब देखो, तुम भी बीच में थे, कसूर तो तुम्हारा भी है, हैं? माफ करना मुझे। अच्छा देखो, मैं ना तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, तुम अपनी पट्टी वट्टी करा लेना है। ये लो रख लो, ये रुपए तुम्हें काम आएंगे। हैं मुझे 75,000 रुपए चाहिए, अभी चाहिए। मेरे बच्चे की जिंदगी और मौत का सवाल है, अभी चाहिए। भाई तुम मेरी मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो? वैसे भी फिलहाल मेरे पास 75,000 रुपये नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये दे सकता हूँ। जितना तुम चाहोगे उतना दे सकता हूँ। क्या काम है? ये जो घर है ना, ये है। तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करता हूँ। हैं?
साथ जैसे मैं उन साहब के कमरे में दाखिल हुआ तो वहां का मंजर देख के मैं सन रह गया। चुप, एकदम चुप हो जा, बकवास बंद कर। अरे खामा खां कमबख्त, मनगढ़ंत किससे सुनाई चला जा रहा है? मिस्टर अशरफ, बाजी अब आपके हाथ से निकल चुकी है। अच्छा यही होगा कि अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। देखिए एक मिनट है, इधर आइए। देखिए और भी रास्ता है, यहाँ हम सिर्फ तीन लोग हैं, हमारे सिवा और कोई नहीं। कोई ये असलियत नहीं जान पाएगा कि आखिर हुआ क्या था। एक काम कीजिए, इस आदमी को ले जाइए, जो जी में आए चार्ज लगाइए, अंदर कीजिए, मारिए, फेंकिए, कुछ भी कीजिए। बाकी मैं और आप है तो मैं आपको हम कुछ मतलब मेरा मतलब समझे आप हैं क्या? 10 लाख कम, चलिए 20 लाख, 30 लाख ये भी कम है, तो आप बताइए कितना चाहिए? आपको इतना मिलने वाला है और मुझे 20-30 लाख बस। अरे तो फरमाइए ना जनाब, हैं हुकुम कीजिए। 50 लाख। अरे 50 लाख बहुत हो जाएगा जनाब, जिंदगी भर ये तंग वर्दी पहने सड़कों पर जूते घिसते रहेंगे ना तो भी 50 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे जितना कि हम आपको दे रहे हैं, सोच लीजिए। बोलिए जनाब बोलिए, ये तकदीर रोज दस्तक नहीं दिया करती, बोलिए। अरे बोलिए इंस्पेक्टर साहब बोलिए, इससे पहले कि आपकी कमाई बढ़ जाए बोलिए। पर इनको तो आपको कुछ देना होगा वरना मैं बात को दबा नहीं पाऊंगा। अरे जिसे जितना चाहे दीजिए, बस मेरी जान बख्श दीजिए। आया आया, कौन है भाई? भाई सबको तुम बांट रहे हो ना, मेरा हक भी तो बनता है, बनता है ना, मैं तुम्हारा भाई हूं। कैसा लगा ये ड्रामा? चारों खाने चित, जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे? जिसे तूने मौत बनाकर मेरे पास भेजा था दरअसल उसी ने मेरी जान बचाई। अगर उसे आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो तू अपने मकसद में कामयाब हो जाता। रात भर जो कुछ इसे मेरे लिए किया एक नेक इंसान ही कर सकता है। जब इसने मुझे सच्चाई बताई तो फिर आपने उस इंसान के साथ दगा क्यों किया? कौन से इंसान के साथ?
वही आपके पार्टनर अशरफ, आपने उनकी पूरी जायदाद हड़प कर ली। शक्ल से तो आप शरीफ लगते हैं। अशरफ मियां, जिंदगी में बहुत ड्रामे देखे हैं, तो मैंने सोचा कि एक ड्रामा हम भी खेलेंगे और उस ड्रामे में आप फंस गए हैं। आपने ऐसा क्यों किया? आधी आधी जायदाद के लिए? अरे तारिक से पूछिए, हम तो अपनी आधी जायदाद आपको जाने से पहले देना चाहते थे। आप मुझे भाई कहते हैं, भाई, और आपने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं तो तुमसे नफरत भी नहीं कर सकता, मुझे घिन आती है, घिन। भाईजान मुझे माफ कर दीजिए भाईजान। ये देखिए, इसकी जुबान भी नहीं कांप रही, इतना कुछ होने के बाद भी भाईजान भाईजान। इंस्पेक्टर साहब इसे ले जाइए, इसे ले जाइए, और कोई रियायत मत कीजिएगा, प्लीज ले जाइए इसको। भाईजान मेरी बात सुनिए, एक मिनट भाईजान, मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए भाईजान भाईजान भाईजान। बेटा, एहसान का बदला एहसान ही होता है। तुमने जो मुझे नई जिंदगी अता की है, उसका बदला तो हम चुका नहीं सकते, लेकिन लेकिन हम तुम्हारे बच्चे का इलाज करवाएंगे। हाँ, हम उसका इलाज करवाएंगे। आयशा 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 आयशा, where have you been यार? मैं पूरा कॉलेज ढूंढ लिया। एक सेकंड एक सेकंड, हमने जो बेट लगाई थी ना, आई मीन जो मैंने तुम्हें बताया था, मैं वो जीत चुका हूँ। ताली ताली, यस। एक सेकंड, तुम्हारे हिस्से। How sweet, पर संजय मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, ये तुम्हारा हिस्सा है, बेट तुम जीते हो। I know bet, मैंने जीता है, लेकिन इस bet को जिताने में तुम मेरी बराबर के मददगार हो, so you have to accept it. I'll accept it, but not like this. तुम सच में मेरा हिस्सा देना चाहते हो? Right. ठीक है, तो क्यों ना आज शाम हम किसी कॉफी शॉप में चलें? बिल तुम पे करना। Are you sure? तुम्हें कोई एतराज है? No, if you say it's fine with me. Okay, fine. Then done. तो आज शाम को हम मिल रहे हैं? 100%. Okay then. See you. Bye. शर्त जीती है, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं उसके साथ डेट पे जा रहा हूँ कॉफी शॉप। डू यू अंडरस्टैंड दैट? संजय, यू आर अ चीटर चीटर चीटर। यू लूजर यू लूजर यू लूजर। बाय। थैंक्स फॉर द लिफ्ट वीर। नो फॉर्मेलिटीज, भैया के ऑफिस में काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में। सही दोस्त ना सही, लेकिन एक दूसरे को जानते तो हैं। प्लीज वीर। एनीवेज, कैसा लग रहा है क्राइम बीट जर्नलिज्म के साथ पहली बार रूबरू होना? एडवेंचरस, रियल? तुम्हारे उन पेज 3 जर्नलिज्म की तरह नहीं, जैसा कुछ नकली है, बनावटी, इल्यूजन, हकीकत में कुछ और। पार्टी स्कोर करना मस्ट बी फन, नहीं? वीर, तुम कितना बोलते हो, हाँ? और जब हकीकत का पता ना हो तो बात नहीं करनी चाहिए। और तुम्हें क्या पता कि पेज 3 जर्नलिज्म क्या है? इन पार्टीज, इन चमक धमक के पीछे कितनी मेहनत लगती है, कितना हार्ड वर्क लगता है। और एक बात याद रखो वीर, इस दुनिया में हर इंसान को पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, समझे? एक पार्टी कवर करके दिखा दो तुम मुझे, मैं मान जाऊंगी तुम। इट्स नॉट फनी वीर, स्टॉप लाफिंग, यू आर इरिटेटिंग मी। आई एम रियली सॉरी भाई। मान लिया कि पार्टी स्कोर करने में भी हार्ड वर्क इन्वॉल्व है, लेकिन तुम ये बताओ कि जो तुम वीआईपीज के इंटरव्यू छापती हो, इसे देश और सोसाइटी को क्या दे रही हो? चटपटी खबरें? दिस इज नॉट जर्नलिज्म। हमारे पास कलम की ताकत है, वो ताकत जो सब कुछ बदल सकती है, क्रांति ला सकती है। अच्छा, वैसे वीर, क्राइम बीट पर तुमने इतनी सारी स्टोरीज कवर की है, कौन सी क्रांति लाए तुम? भ्रष्टाचार वही का वही है, वैसा का वैसा ही है, कुछ नहीं बदला वीर, कुछ नहीं।
आंधी एक दिन में पैदा नहीं होती मैडम, इंतजार करना पड़ता है। और जो तुमने आज किया, उन कातिलों को आइडेंटिफाई करके उस बुजुर्ग और उसके परिवार को जो इंसाफ दिलाया है, पहल की है, क्रांति की राह पर पहली शुरुआत है। एंड दैट्स व्हाट क्राइम जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट। क्राइम बीट इज ऑल अबाउट फाइट फॉर क्राइम एंड एंड ऑफ क्राइम। आगे से राइट लेना, मैं घर जाना चाहती हूं। मैं मालिनी आंटी बोल रही हूँ। बेटा, ये तुम सहमी सहमी सी क्यों साउंड कर रही हो? नहीं तो मालिनी आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, मामा जी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हाँ आंटी, कल रात थोड़ी खराब हो गई थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिस्टर कुमार की रिपोर्ट तैयार करके बस ऑफिस आ ही रही हूँ। तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस घर में आराम करो। और मिस्टर कुमार की रिपोर्ट तो तुम मेल के जरिए भी भेज सकती हो। बेटा, शरीर को थोड़ा आराम दिया करो, जब देखो बस काम में लगी रहती हो। आई बात समझ में? जी आंटी। आंटी, आपसे बात करके दिल को बहुत सुकून मिलता है। और सच कहूं तो आपने बिल्कुल एक माँ की तरह मुझे और संजू को प्यार दिया है। आपके रहने से कभी माँ की कमी महसूस ही नहीं हुई। क्या मतलब है तुम्हारा कि माँ की कमी महसूस नहीं होती, मैं माँ की तरह ख्याल रखती हूँ? बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ, समझे? अब आराम करो, मैं फोन रखती हूँ। जी आंटी, आई लव यू आंटी, बाय। आखिर क्या जरूरत थी ऐसा कारनामा करने की? क्या मैंने कभी तुम्हें पैसे देने से इनकार किया है? चिंटू, अगर पैसों की इतनी जरूरत थी तो मुझे एक फोन करना चाहिए था। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब ये पैसे लो, और जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये पैसों का जोर मामा पर दिखाइएगा, मुझ पर नहीं। अपन को मालूम है पैसा कैसे कमाया जाता है। चिंटू, अपन ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अपन डरने वालों में से नहीं है। माफी, माफी मांग गोल्डी से। भरोसे ऐसी बातें करते हैं बाबा? चिंटू को ये तमीज आपको बहुत पहले सिखानी चाहिए थी। आप ही के लाड़ प्यार की वजह से बिगड़ चुका है वो। चिंटू, समझने की कोशिश करो। कुछ ही दिनों की बात, एक बार मैं महक को संभाल लूं, बहुत जल्द वो अपना स्टेटमेंट वापस ले लेगी, और फिर मैं खुद तुम्हें बुलवा लूंगा। आप क्या संभालेंगे महक को? जिंदा बचेगी तब संभालेंगे ना। फिर काहे की महक और काहे का स्टेटमेंट? चिंटू, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं। अगर महक को कुछ हो गया तो हमारा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। यही तो मैं भी समझा रहा हूँ गोल्डी बेटा इसको, पर ये है कि अपने भेजे में अक्कल डालता ही नहीं। बाबा, अब चिंटू को जयपुर भेजने की जिम्मेदारी आपकी। ये लीजिए चिंटू, अगर तुम्हें जरा भी अक्ल है तो समझने की कोशिश करो। मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं।
इस तलख हकीकत को ना माने वो नादान है, ये इंसान फरिश्ता भी है और यही शैतान है। जिन लोगों के शौक जरायम उनके लिए कानून है कायम, चाहे जितना भी हो शातिर मुजरिम तो मुजरिम है आखिर। एक दूजे के आगे पीछे चलते रहे सदा, जुर्म और सजा